अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। प्रजापति समाज के तेवर ने आज मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम वह भारी तादाद में पहुंची पुलिस को बेरंग वापस होने के लिए मजबूर कर दिया। एमडीए की टीम आज परीक्षित गढ़ रोड पर दारा सिंह प्रजापति द्वारा अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी को पूरे तामझाम के साथ ध्वस्त करने पहुंची थी, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने टीम को आगे बढ़ने नहीं दिया। समाज के लोगों ने खुले आरोप लगाए कि यह कॉलोनी 3 साल से बन रही है, इसे तब क्यों नहीं रोका गया, आज इसे ध्वस्त करने क्यों आ गए। भीड़ ने यह भी आरोप लगाया कि प्राधिकरण के भ्रष्ट अभियंता पहले पैसा लेकर कॉलोनी बनवाते हैं और फिर पैसा ना देने पर उन्हें ध्वस्त करने आ जाते हैं। इतना ही नहीं, प्राधिकरण क्षेत्र में अधिकांश कच्ची कॉलोनियां भाजपा नेताओं की हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है। कई घंटे चले इस ड्रामे के बीच बंद कमरे में भाजपा नेता के केंद्रीय राज्य मंत्री लोकेश प्रजापति की मध्यस्थता में प्राधिकरण व दारा सिंह प्रजापति के बीच गुप्त समझौता हुआ। प्राधिकरण अभियंता व अफसर जहां गाड़ी में बैठकर मुंह छिपाते हुए निकल गए, वहीं दारा सिंह ने कहा कि उनके कागजों का 2 दिन में प्राधिकरण जांच पड़ताल करेगा, इसके बाद प्राधिकरण जो कार्यवाही करेगा उन्हें मंजूर है। दरअसल हाल ही में दारा सिंह प्रजापति की शिवकुंज को तोड़ने गई प्राधिकरण की टीम को दारा सिंह प्रजापति व भाजपा नेता सतीश मावी ने डांट कर भगा दिया था। इस पर एडीएम ने दारा सिंह व सतीश मावी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अगले ही रोज दारा सिंह ने प्रजापति समाज को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इससे पहले कमिश्नरी होते हुए जुलूस निकाला गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने दारा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब प्राधिकरण टीम को पहुंचना था तो उससे पहले ही दारा सिंह ने वहां समाज के लोगों का जमावड़ा लगा दिया था। इन लोगों को यही समझाया गया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के कारण ही ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जबकि प्राधिकरण का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन से पहले ही अवैध निर्माण ग्रानेड टीम पहुंची थी। देखिए मौके पर मौजूद फर्स्ट बाइट टीवी संवाददाता नीलोफर अंसारी की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं परीक्षित गढ़ रोड स्थित दारा सिंह की प्रॉपर्टी के ठीक बाहर, जहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। यहां पर भारी तादाद में बुलडोजर तैनात है। कुछ ही देर में यहां पर बुलडोजर चलने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन यहां जैसे कि आप देख सकते हैं भारी तादाद में प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है। ये लोग रोकने के लिए खड़े हुए हैं, इनका ये दावा कर रहे हैं कि अवैध नहीं है और ये जो बुलडोजर यहाँ पर आए इनको रोकता रहेंगे। पहले भी एक बार ऐसा हुआ हो चुका है कि इन लोगों ने बुलडोजर को रोका था, इस बार भी क्या ऐसा होगा। वही बात कर रही यहाँ पर मौजूद महिलाओं से। देखिए जब ये कॉलोनी काटी गई थी तब सरकार को अवैध नहीं लगी, अब ये सरकार को अवैध क्यों लगने लग गई आपको मैं बताती हूँ। अभी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और मेरठ से लेके हमने जंतर मंतर पर यात्रा की थी। जाति को लेके, हमारी जो जाति है, जनसंख्या जितनी हमारे समाज की है उसके आधार पर हमें भागीदारी दी जाए। हमारा एक भी कोई भी सरकारी एक एक पॉइंट में एक पॉइंट में हमारा सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति उसका रख दिया जाता है, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। हमें हमारी जनसंख्या के आधार पर, अभी हमारी 2-2.5 करोड़ की आबादी है। तो आपको क्या लगता है आपकी जो कास्ट है उसको चिन्हित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है कास्ट के बिहाफ पर? देखिए कास्ट के बिहाफ पे नहीं, 3 साल से कहाँ थी एमडीए, 3 साल से बननी है, 3 साल से कहाँ थी एमडीए। जब हमारी रिपोर्ट लेने की बात आएगी जब कहाँ जाएंगे हम? हमारा समाज सीधा समाज है, कभी संघर्ष करते नजर आए? हम सड़क पे क्यों आए आप, क्या कारण है? समाज को टारगेट, हमारे समाज को स्पेशल टारगेट करा जाए कहीं भी लेकर के, चाहे मैनपुरी में कोई कांड हुआ हो, चाहे सिकंदराबाद में कांड हुआ, हमारे प्रजापति समाज को टारगेट करा गया, उनको इंसाफ तक नहीं मिला है। भाजपा के लोगों के आज भी बता दूं बहुत सारी मेरठ में अवैध कॉलोनियां, सबसे पहले उनको ढो, क्यों नहीं, क्योंकि वे सत्ता में बैठे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भारी मात्रा में प्रजापति समाज एकत्र हुआ है, लेकिन उनका कहना है भाजपा उनके खिलाफ है। आज ये 3-4 साल से कॉलोनी बन रही है, तब पहले इसको नोटिस क्यों नहीं किया गया? अभी के लिए इतना ही, कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं नीलोफर अंसारी, फर्स्ट बाइट टीवी। प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर मनोज सिसोदिया ने यह जानकारी दी।
ये सभी जो है अवैध कॉलोनी विकसित की गई है लोगों द्वारा, और जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 जो हमारा एक्ट है उसके सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरांत ये कार्रवाई की जा रही है। सर जैसे कॉलोनियां बनती हैं इतनी लेट कैसे पता चलता है? उसी समय एक विधिक प्रक्रिया है, उसी समय हम नोटिस देते हैं, उसको सुनवाई का भी समय दिया जाता है। नियम है, नियम के अनुसार ही काम होता है, उसमें सब एक्ट में प्रावधान है कि भाई उसको हमें सुनवाई का मौका देना होगा। उस पर भी प्रकरण में है वो अवैध कॉलोनी, उस पर भी कार्रवाई सर ये प्रस्तावित है। ये लगभग 7,6700 स्क्वायर मीटर है, उनकी होगी 20,000 स्क्वायर मीटर। विरोध कर रहे हैं, उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएंगी। दारा सिंह प्रजापति का यह कहना है। नेता जी ये जो आज एमजे कार्रवाई कर रही है कितनी जमीन है, क्या है पूरा? ये 10 से 12 हज़ार गज का मेरा फार्म हाउस है। लंबे टाइम से 2 साल से हम इसमें रास्ते वास्ते बना रहे हैं और 2 साल हो गए लगातार, तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। अभी जैसे ही हमने अपने समाज को लेकर जंतर मंतर पर गए तो बीसी तो ये बता रहा है कि हमें लखनऊ से है कार्रवाई करने की, हम कार्रवाई करके रहेंगे, बाकी मेरा समाज आ रहा है वो करेंगे देख लेंगे, बाकी हम बैठे। भाजपा राज्य मंत्री लोकेश प्रजापति की मौजूदगी में हुए समझौते की ये जानकारी दारा सिंह प्रजापति ने दी। सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अधिकारियों से वार्ता हो गई है और वो हमारे कागज कल मंगा लेंगे, हम जांच कर लेंगे, उसके बाद कोई बात होगी तो वो हमने इनके ऊपर छोड़ दिए कि गलत हो तो आप अपनी मर्जी से कर लेना, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। आज ये जा रहे हैं सब, ठीक है ना, और सब पैदा से बिल्कुल आराम से बैठे। छाप देना यार, छाप देना। अरे नहीं आप बता, क्या मामला हुआ बता दो भाई। आईडी दे, पकड़ पकड़ एक मिनट। अरे रुक जाओ भाई, अरे गाड़ी से जा यार, पैर पे खड़े तो हैं, क्या कर रहे हो? अच्छा रुको, ये खिड़की बंद, ये तोड़ किस उसको तोड़ दे, खिड़की खोल के दे देता हूँ मैं, खिड़की खोल के दे भाई। बता दो क्या हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत देखते हुए अभी ये दोस्तीकरण नहीं हो रहा है, एक दो दिन का समय मांगा है तो एक दो दिन का हम समय देने के लिए तैयार हैं। अभी बात करते हैं, वीसी साहब से भी बात होगी तो उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा इनके कागज देख के, ठीक है? क्या अवैध कॉलोनी नहीं है? मैं अभी बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।